अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तूबा उस्मान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मेरे बच्चों का फर्स्ट पेपर है और उस्मान गए हैं बच्चों को लेने, और आएंगे तो पता चलेगा कि कैसा पेपर दिया है बच्चों ने। अच्छा, मैं जो है थोड़ी सी वीडियो क्लिप इसलिए बच्चों की बना रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों ने पेपर कैसा दिया और कैसा नहीं। सो बच्चे आ जाएँ तो मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ। उस्मान को लेने गए स्कूल से, क्यों अभी हो रहा है तकरीबन 9 बजे का टाइम, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये रिबिन अभी तक हमने नहीं हटाई हैं। अभी हाँ हमें हटाने नहीं दे रही, हालांकि इसका हाल देखें क्या हो गया, सब उतर उतर गई हैं, लेकिन अभी हाँ हमें हटाने ही नहीं दे रही। गाइज 8 बजे ये लोग गए हैं, 9 बजे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको लंच बॉक्स भी नहीं दिया, सिर्फ एक छोटा सा बैग दिया है जिसमें वाटर बॉटल है। और आज है भी इनका ओरल पेपर, तो मैंने इनको खास कुछ दिया नहीं है। बोर्ड भी नहीं लेके गए ये लोग एग्जामिनेशन बोर्ड। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं गाइज और अभी तक उस्मान नहीं आया, और मैं दरवाजे पर खड़े खड़े थक गई हूँ कि ये लोग ऊपर आने लगे, तो मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ, इनके एक्सप्रेशन नोट करूँ। पता नहीं कब तक आएंगे, आई थिंक आ गए गाइज अभी। हाँ यहाँ पे देखें सो रही है, पता नहीं कब उठेगी ये भी। ये उठी थी, ये एक्चुअली उठी थी, इसने नाश्ते पर बैठी है और इसको मैंने कहा कि नाश्ता कर लो, तो इसने एक स्लाइस लिया। काफ़ी देर तक ये स्लाइस पकड़ के हाथ में बैठी रही, फिर मैंने कहा खाओ, तो इसने एक बाइट लिया, और एक बाइट लेने के बाद कहने लगी मम्मा मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा अच्छा आप सो जाओ, तो ये वापस सो गई नेस्ती खोरी। उस्मान को मैंने कपड़े वपड़े प्रेस करके दिए, उनको नाश्ता कराया, उनको भेजा। मैंने कहा आप बच्चों को छोड़ते हुए फिर काम पर चले जाइएगा। अब माशाल्लाह उस्मान का पैर बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे पता नहीं कब आएँगे, मैं तो वेट कर करके थक गई। ये देखिए गाइज, ये हमारा बाहर का गेट है, ये बाहर का सहन है, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा है ये। वहाँ से नीचे वाले गेट से आएंगे बच्चे, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब से खड़ी गए। कैसे गया पेपर है? पेपर कैसे गया? पेपर कैसा गया? अच्छा। सच में? हाँ, सही सही सुनाया। सुना, बिल्कुल पक्का पक्का। अरे वाह, क्या क्या सुना मैं इसने आपसे? ओहो, बस नाजरा नहीं सुना? दुरूद शरीफ, दूध पीते वक्त की दुआ, और शैतान से बचने की दुआ, नाजरा और इस्लाम है ना? नहीं, सारे सवाल पूछे ही है, कुछ कम कम सारे सवाल। सही से सुनाया आपने बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसे भी तो बोलो वेरी गुड। कैसा गया पेपर? जबरदस्त। पॉस मारे पॉस। अल्लाह हाफिज़। यार इधर तो देखे प्यारे लग रहे हैं। चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। अच्छा ये तो बताओ, हेलो व्यूवर्स, कैसा गया? आप व्यूवर्स को बताओ ना कैसा गया आपका पेपर। बोलो व्यूवर्स हमारा पेपर बहुत ज़बरदस्त गया, इस तरह बताओ। आवाज़ तो निकालो। टेस्ट नहीं, पेपर। पेपर बहुत अच्छा। वो तो आपके एक्सप्रेशन से ही नजर आ रहा है। फाइनल ट्रम है, अगर आप पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, पता है आपको। ओके व्यूवर्स, तो तकरीबन शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मैं शाम में जो है बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने बिठाती हूँ किशन अपने पास ही। और ये दे रहे हैं मेरे बच्चे टेस्ट, क्योंकि जो है कल उर्दू का इनका पेपर है, आज इस्लामियत और नाजरे का इनका पेपर था, तो ओरल टेस्ट था, उसमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। माशाल्लाह तैयारी इन लोगों की बहुत अच्छी है, बस मैं दुआ यही कर रही हूँ कि बस टीचर के सामने जाके ये लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि आयन का ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आयन बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाता है। ईमान तो माशाल्लाह फिर भी कवर कर लेती है,
सो आप लोग भी दुआ करिएगा मेरे बच्चों के रिज़ल्ट के लिए। और जो है मैंने आपको ये बताना था कि मेरी शादी को हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कल पूरे 8 साल, 8 साल पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कल थी 7 मार्च और कल मेरी एनिवर्सरी थी, जो कि ना मुझे याद रही, ना मेरे हस्बैंड को याद रही, ना मेरे घर में किसी को याद रही, ना उनके घर में किसी को याद रही, किसी को भी याद नहीं रही। और जो है अब ये वाली वीडियो जब आज सब देखेंगे तो सबको याद आएगी, और फिर जो है सब हो सकता है मुझे विश कर दें। तो अभी मुझे रिसेंटली याद आया कि कल 7 तारीख गुजर गई, तो कल थी मेरी एनिवर्सरी, वरना मुझे जो है मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी एनिवर्सरी का बहुत शिद्दत से, लेकिन निकल गई कल, पता ही नहीं चला ना याद आई। सो गाइज, मुझे अभी आपसे यही शेयर करना था। बच्चों की थोड़ी सी जो है ना पेपर्स की वजह से हो सकता है मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाऊँ, वीडियोस हो सकता है लेट हो जाएँ या वीडियोस ना आए। और वैसे ही आज एक बैड न्यूज़ हो गई है हमारे साथ, हमारे साथ आए दिन कोई ना कोई कुछ होता ही रहता है। ये जो ऊपर वाला सेवर है ना, ये हो चुका है ख़राब, तो बहुत डिम लाइट हो रही है कमरे में, जिसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और मसला सेवर लाने का नहीं है, मसला ये है कि उस्मान को याद कब रहेगा। मसला सेवर लाने का नहीं है, मसला ये है कि उस्मान को याद कब रहेगा लेकर आना। या तो मुझे उनको कॉल कर करके याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि उस्मान का व्हाट्सएप पैकेज भी ख़त्म हो गया। अभी मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उस्मान से कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे कभी भी कुछ करना होता फिर बार बार मुझे उनको मैसेजेस करने पड़ते हैं, फिर वो कॉल करते हैं। उनके पास व्हाट्सएप पैकेज नहीं होता और मेरे पास कॉल पैकेज नहीं होता है, तो हम लोग बहुत जो है ना व्हाट्सएप पैकेज उस्मान का ख़त्म हो जाता, फिर मैं ऐसे बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो अब देखिए गाइस, सेवर कितने दिन में लगता है, ज़रा आप भी देखिएगा। और रात की थोड़ी सी रूटीन अगर शेयर कर सकी तो करूँगी, वरना अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दिया इतनी जोर से मार दी, लग गई बाबा के। काका रो रहा है, रो रहा है काका, काका को चुप कराओ काके के, लग गई, चुप कराओ काके को, इतनी जोर से लगे। पता है ना खतरनाक बच्चा है, इसके साथ नहीं खेला करें उस्मान। वो देखो बाबा की नोज रेड हो गई पूरी, आपने इतनी जोर से टक्कर बाबा के मारी है। नहीं बोला नहीं खेला, गेम खत्म। नहीं आप नहीं मारो, आपने तो अभी मारी है। चले जी ये देखें, ये हो गई है हमारी पानी की परेशानी खत्म, पानी आ गया है। वाह मम्मा हमारे घर में पानी आ गया, बिब्बो भी कह रही है वाह मम्मा हमारे घर में पानी आ गया। और गाइस ये देखें, ये देखें ये इसने क्या किया है, ये जो है ना ये सब अभिहा करती है हमारे घर में, ये क्रेडिट जाता है अभिया को। और अभिया के बाल देखे, सो के उठी अभी, गंदा बच्चा है ये, सीधी हो, क्या हुआ है नू, जाओ चले जी। हो रही है सोने की तैयारी, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। और ये देखे मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और वो बाहर का गेट है जिससे नज़र आ रहा है सामने वालों का घर। तो जो है हम अब हम सोने लगे हैं, क्योंकि सुबह है बच्चों का सेकंड पेपर। तो बस मैंने आपसे सिर्फ यही चीज़ शेयर करनी थी कि जो है हमारा पानी आ गया है, सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो हल हो गया है, पानी का बोरिंग हो चुकी है। देखें गाइस, हाँ, अब इसको जो है ना मैं रखूँगी फ्रीज करके,
बर्फ जमा के रखूंगी। अच्छा जी, इसमें लाए थे उस्मान पुलाव जो हम खा पी चुके हैं, और था वो मटन बीफ पुलाव, बीफ नहीं था मटन था, मटन पुलाव वो हमने इसमें सब जो था पूरा गर्म गर्म करके खा चुके हैं हम। और मेरे जो चिकन का सालन था वो रख दिया सबने, किसी ने नहीं खाया, तो जो हम पूरा खा चुके हैं। सारे मैंने बर्तन जल्दी जल्दी धो दिए, मैंने कहा पता नहीं कब, पानी का कोई भरोसा नहीं है, बोरिंग तो हो गई है, फिर भी डर बैठ गया दिल में कि पता नहीं कब क्या हो जाए। बर्तन तो थोड़े से ही थे क्योंकि मैंने सारा भर लिया था, जिसकी वजह से परेशानी इतनी ज़्यादा अब नहीं हो रही थी। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ करो, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, और ये थोड़ा सा क्लिप जो लास्ट में मैंने डाला है ये इस चीज़ के लिए डाला है कि अभी उस्मान जब आए थे काम से तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि किसी को भी याद नहीं आई मेरी एनिवर्सरी, और जो है घर वालों में से भी किसी को याद नहीं आई, तुम्हारे घर वालों में से भी किसी को याद नहीं आई, तुम्हें भी याद नहीं रही, मुझे भी याद नहीं रही, बस शादी अब 8 साल हो गए तो अब यही चलेगा, इस तरह मैंने खूब उस्मान को तंग कर रही थी। खैर, मुझे ऑनेस्टली बहुत रोना आया कि मैं खुद भी भूल गई, मतलब ये नहीं कि सब भूल गए, और मतलब ये कि मैं खुद भी भूल गई, उस्मान भी भूल गए, सब भूल गए। तो उस्मान अभी जब आए तो मैंने गेट खोला, मुझे पता नहीं था, जब मैंने गेट खोला तो उस्मान अपनी नीज पे बैठे हुए थे, और उस्मान मेरे लिए ये स्टिंग, और ये डेरी मिल्क बबली लेकर आए मुझे मनाने के लिए, और मैं काफ़ी रो रो के, मेरी आँखें स्वाइल हो गई हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गाइस रो रही थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे इतना हर बात पे अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा रोना आने लगे, पता नहीं क्यों, और मेरे आंसू ख़त्म ही नहीं होते हैं, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। तो खैर, मैं ज़्यादा उस्मान को खैर तंग भी ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इसी तरह मानते हैं बात, सीधे तरीके से नहीं मानते, तो मुझे बहुत मैं सरप्राइज़ हो गई, जैसे मैंने गेट खोला तो वो नीज पे बैठे हुए थे, इतना अंधेरा हो रहा है हालांकि बाहर गाइस, और मैं खुश हो गई, मेरा मूड ठीक हो गया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अभी अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।